नाराज है जिंदगी, ना नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज है जिंदगी। YouTube कोर्स सीरीज की एक अनदर शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको एनालिटिक्स समझ में आना चाहिए। अगर आपने चैनल बना लिया है और आप चैनल पे वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं, आपका ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो एनालिटिक्स देखना बहुत जरूरी है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एनालिटिक्स को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एनालिटिक्स आपको जानना जरूरी है कि आपकी कौन सी वीडियो पे कब व्यूज आ रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, वो आपकी वीडियो आगे सर्वाइव करेगी नहीं करेगी, वायरल होगी नहीं होगी, उस पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उस पर कौन कौन से सर्च आ रहे हैं, है ना, कैसा उसका रिटेंशन है, कैसा उसका परफॉर्मेंस है। तो ये एनालिटिक्स आपको ए टू जेड समझना बहुत जरूरी है। चलिए हम आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं, वहां पे हम ए टू जेड आज हम एनालिटिक्स के बारे में पूरा सीखेंगे कि कौन कौन सी चीज है, कौन कौन सी नहीं, क्योंकि गूगल और ये जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है ये समझना बहुत मुश्किल है। लोग अक्सर बोलते हैं इसको क्रैक नहीं कर सकते आप, इसमें कुछ नहीं आप समझ सकते, ये जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं, क्योंकि भाई ये पल में कुछ होता है, पल में कुछ होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये एनालिटिक्स समझ में आना चाहिए कि हमारी वीडियो की परफॉर्मेंस कैसी है, हमने वीडियो अपलोड की उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि यहां पे घंटे के बाद में, एक घंटे के बाद में, दो घंटे के बाद, तीन घंटे के बाद, तीन दिन तक यहां पे आपको परफॉर्मेंस करना होती, देखना होता है कि हमारी वीडियो चल रही है नहीं चल रही है, फिर हम उसको बूस्ट कैसे कराएं। तो बूस्ट कराने के लिए भी हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे आप बूस्ट करा सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो आप हमसे बूस्ट करा सकते हैं, हमारी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तीन दिन तक वीडियो पे आपको बहुत ध्यान देना होता है, 48 घंटे तक, क्योंकि 48 घंटे की परफॉर्मेंस आपकी मेन है, इसी पर ही आगे का आपका सफर पूरा डिसाइड है, ठीक है। तो ये गूगल एनालिटिक्स समझना बहुत जरूरी है, इसको समझ लेंगे। यूट्यूब का जो YT स्टूडियो का एनालिटिक्स है, मोबाइल है तो YT स्टूडियो देख लेंगे, नहीं तो अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप की स्क्रीन मैं आपके सामने अभी शेयर कर रहा हूं, वहां पे आप अच्छे से उसको समझ लीजिए, ए टू जेड नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कौन कौन सी चीज का क्या क्या काम है, उसको वैसे ही करना है, ठीक है। ठीक, मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लैपटॉप है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मोबाइल से स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं, मोबाइल तो ऑलमोस्ट सबके पास है और मोबाइल से ही आप बनाते भी हैं वीडियो, तो चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन शेयर करते हैं। आप देखिए मेरी स्क्रीन पे मोबाइल स्क्रीन आ रही है और YT स्टूडियो कैसे देखना है ये हम चेक करते हैं। मैंने अपना YT स्टूडियो ओपन कर लिया, आप भी अपना YT स्टूडियो ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास YT स्टूडियो ना हो, ये YT स्टूडियो जो आपको दिख रहा है, तो आप प्ले स्टोर में जाके सबसे पहले नंबर पर YT स्टूडियो डाउनलोड कर लीजिए, वहां से फिर अपनी आईडी से आप साइन इन कर लीजिएगा। तो कैसे आप साइन इन करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस सामने खुल जाएगा, जैसे आपके सामने ये खुल के आ रहा है YT स्टूडियो पर। और ये यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे आपको तीन चीजें देखना है कि आप पहले नंबर पर अपनी वीडियो की परफॉर्मेंस देखिए, और YT स्टूडियो आपको ए टू जेड सारी चीजें बता देता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ये तीन चीजें आपको देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि ये जो आपका है फर्स्ट जो आपकी वीडियो का मतलब परफॉर्मेंस, आपको अपनी वीडियो का परफॉर्मेंस देखना है, ये जो टिक है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो व्यूज है, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, ये आपको इस चीज को आपको मेन है, ये ध्यान आपको रखना है, क्योंकि ये एरो देखिए अगर जिस जिस वीडियो का आपका ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपकी वीडियो सही है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए नीचे दे रखा है, ये एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है यहाँ पे नीचे दे रखा है 53 से 1.14, तो मेरा है 2.14 यानी 10 डबल, तो ये अच्छा है, ये नीचे हो गया क्लिक थ्रू रेट, इसका मतलब मेरा थंबनेल जो है वो चेंज करने की जरूरत है, ये थंबनेल 0 हो गया, जिस पे टिक लग गया यानी व्यू टिपिकल 10 से 30 है तो 29 आए, टिक लग गया इसका मतलब आपके 100 है, आप ये जा भी सकती वीडियो आगे नहीं भी जा सकती, तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, ये तीन चीजें, अगर आपके सारे तीनों टिक ऊपर जा रहे हैं तो समझ लीजिए वीडियो आपकी आगे भी कल वायरल होगी, जरूर होगी, क्यों, क्योंकि ये टिक आपके तीनों ऊपर जा रहे हैं, तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ये आपने समझ लिया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो आता है, और आप ऐसे करके सारी अपनी वीडियो चेक कर सकते हैं, आप कंटेंट में जाएंगे ऐसे करके, और कंटेंट में जाके आप जो सी वीडियो चाहें, ये वाली वीडियो थी इस पे जाएंगे तो आप इसको देखेंगे, ये भी टिक लग गया है, तो ये भी यानी ऐसी बेकार हो गई वीडियो, तो ये वाली पे आप जाएंगे, है ये इसके तीनों नीचे हो गए, देखिए नीचे, इसका मतलब ये वीडियो गई डूब गई, ये अपने चलने वाली है ना, तो ऐसे करके आप जितनी भी अपनी वीडियोज हैं वो सब आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी वीडियो है और वो कौन सी वायरल हो सकती है, कौन सी, ये देखिए ये तीनों टिक ऊपर है, अब यहाँ पे व्यूज आए हैं, ये रैंकिंग हो गई, वन नंबर वन पे है, 6.2% की थ्रू रेट है, ये आपको खुद बताता रहता है, YT स्टूडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, आपको सब पता है परफॉर्मेंस आपकी क्या है कैसे है, इसको समझ लेंगे तो समझ लीजिए आपको किसी से भी आप अपने चैनल को चेक कर सकते हैं,
ये ड्यूरेशन आपका देखिए 5.14 है, 2.2 नीचे दे रखा है, नीचे इन्होंने दे रखा है कि इतना अगर है तो एवरेज है ना, एवरेज इससे ऊपर है तो फिर आपकी वीडियो बढ़ जाएगी, तीनों एरो ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब आपका बहुत अच्छा है। तो आप एनालिटिक्स में आएंगे और एनालिटिक्स में ओवरव्यू पे आप देखेंगे, यहाँ पे व्यूज होता है, ठीक है, वॉच टाइम होता है, ये आपके सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, फिर 48 घंटे में 28 दिन में कौन सी आपकी टॉप वीडियो चल रही है, कौन से आपके क्या है, और फिर रीच है, इम्प्रेशन आपको देखना है कि इम्प्रेशन आपके कितने दिन में कितने हुए, फिर क्लिक थ्रू रेट क्या है आपका, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पर से ये जो है नीचे जब इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये है टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स, ये आपका मेन है कि आपका टॉप यूट्यूब सर्च कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से आपके कीवर्ड्स हैं। तो आप यहाँ पर से लाइफ टाइम करके डाल देंगे तो लाइफ टाइम से आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे कि क्या आपका कौन सा कीवर्ड इस वीडियो में आपको इंसर्ट करना है, ये कीवर्ड्स आपके सर्च हो रहा है, यहाँ से आपका जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, 365 दिन का डाल के आप चेक कर लीजिए, लास्ट 7 डेज का डाल के चेक कर लीजिए, तो ये ये, ये 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 मेरे जो है कीवर्ड्स मेरे चैनल पे सर्च हो रहा है, तो आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। रीच में जाना है, इंप्रेशन आपको देखना है, और फिर ये आपको देखना है कि आपका जो सोर्स है एक्सटर्नल सोर्स वो क्या है, आपका एक्सटर्नल सोर्स गूगल सर्च से आ रहा है कि यूट्यूब सर्च से आ रहा है, सजेस्टेड वीडियो से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन कौन सी आपके सजेस्टिंग वीडियोज हैं, ये सब आपको देखना होता है, एंगेजमेंट आपका कैसा है, वॉच टाइम कैसा है, ये लाइन दिख रही है ना लाइन आपकी, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना है 1.14 है, रिटर्निंग व्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्निंग व्यूज का मतलब है कि आपके कौन से सब्सक्राइबर हैं जो वापस आते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जिन्होंने आपको सब्सक्राइब नहीं करा, व्यूअर्स कुछ है जिन्होंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है, तो रिटर्निंग वाले वापस आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है नहीं है, वो तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन न्यू व्यूअर्स जो न्यू लाइन है, अगर न्यू व्यूअर्स आपके पास ज्यादा आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपके बहुत बेहतरीन चैनल है, ग्रो कर रहा है, तो न्यू व्यूअर्स आपको देखना है कि आपके न्यू व्यूअर्स का यूनिक व्यूज मतलब कितने यूनिक व्यूज हुए, ठीक है, आपको अपना टाइम देखना होता है, ये टाइम मेरे हिसाब से मायने नहीं रखता, वैसे शाम का टाइम ज्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि आप देखिए लोग आपको कब फ्री होता है, मैंने बहुत टाइम डाल डाल के वीडियो देखी, सुबह में भी दोपहर में भी शाम में भी, लेकिन जिस टाइम ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है मतलब लोग जिस टाइम यूट्यूब पे ज्यादा होते हैं तो मैंने देखा ज्यादातर शाम को होता है, सैटरडे संडे को होते हैं, है ना, इन दिनों ज्यादा होते हैं, मंडे की होते हैं, तो आप देखिए आपको मॉर्निंग में देखते हैं, ये जो है यहाँ पर चार्ट दिखाता है कि व्हेन योर व्यूअर्स जो ब्लू डार्क लाइन, ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे दिख रहा है मेनी व्यूअर्स, जो बहुत डार्क है तो मेनी व्यूअर्स के आपके सुबह 11-12 बजे संडे वाले दिन ट्रैफिक ज्यादा होता है, बाकी मंडे को नहीं है ज्यादा ट्रैफिक, ट्यूजडे को शाम को होता है, सुबह होता है, वेडनेसडे को है नहीं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को शाम को होता है ज्यादा, तो आप अपना देख लीजिएगा जिस टाइम आपको लगे कि आपके व्यूअर्स, बाकी चेक करते रहते हैं डाल डाल के कब होता है कब नहीं, ये आपकी एज है, जेंडर है, डेमोग्राफिक है, कौन कौन से आपके चैनल है, ये कौन कौन से आपके मतलब ऑडियंस, ऑडियंस आपको पहचानना जरूर, एंगेजमेंट आपका कैसा है, कौन सी वीडियो में कितना एंगेजमेंट आया है, रीच कैसी है, ना ट्रैफिक सोर्स क्या है आपका, यूट्यूब सर्च में है, सजेस्टेड वीडियो में है, गूगल से आ रहा है, व्हाट्सएप से आ रहा है, व्हाट्सएप में ग्रुप बना रखा है आपने, ग्रुप बना रखे हैं वहां वीडियो शेयर करते हैं तो वहां से ट्रैफिक ले आते हैं आप अपने वीडियो में, जैसे आपने अपलोड करा तो वो सारी चीजें हैं, ये क्लिक थ्रू रेट CTR, ये CTR बहुत जरूरी है, ये CTR है 6.5 है ना परसेंट, तो CTR बहुत जरूरी है, लेते हैं बेटू हमारे जा रहे हैं कोचिंग, बैग चाहिए था, घंटा भर खड़े रहते हैं ये इंतजार करते हैं वीडियो बना रहे, यानी कि अपने बैग लेके जाए, काम रोकना नहीं होता उसमें, है ना, काम करते रहना था, ठीक है, तो ओवरव्यू आप अपना देखिए, इंप्रेशंस देखिए, CTR बहुत इंपॉर्टेंट है, CTR से पता चलता है कि आपका थंबनेल कैसा है, CTR आपका डिपेंड करता है थंबनेल पे, जो थंबनेल जितनी बार लोग क्लिक करेंगे, क्लिक थ्रू रेट वो होता है CTR, तो ये YT Studio है, इसको आप देख लीजिए, सीख लीजिए, मेन आपकी तीन सेटिंग है जो हमने आपको बताया, तीन आपको चीजें देखना है कि वीडियो चेक करिए कि कौन सा एरो किधर जा रहा है, तो वो समझिए वीडियो आपकी है, ठीक है, स्टूडियो में अगर और कोई क्वेश्चन हो तो डाउट हो तो आप कमेंट करिए, पूछिए मुझसे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।